एक लोग एक जयपुर में कोई एसडीएम लगा हुआ है तो वो खाना खाने तो नहीं आ रहा ना, क्या उसका उद्देश्य खाना खाना? खाना कहीं डंका खा के आ सकता है, ऐसा क्या जिमा रहे हैं अपने? नॉर्मल जैसा घरों में खाना होता है वैसा यहां पर खाना होगा, पर वो आ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि स्प्रिंग बोर्ड मेरा। मतलब आप उससे पूछ लो कि सर आप यहां कब पढ़ते थे, वो कहेगा 2008। कब पढ़ता था? 2008। तब आप कहीं सोचते हो मैं उस साल चौथी में था। अच्छा ये तो आपको पता है क्या भंडारा है, पता है कि नहीं पता? कोई सूचना नहीं मिली? नहीं मिली सच में? कोई आगे नहीं गया? अरे यार ये तो भेदभाव है आपके साथ में। लो मैं बता देता हूं ना, आज है भंडारा। आज क्या है भंडारे का मतलब है खाना खाएंगे, जिमेंगे ना। कहाँ है? यही सड़क के उस पार, सामने टेंट वेंट लगा हुआ एकदम भव्य। तो अभी मान लो अगले पीरियड के अंदर ना थोड़ी देर पढ़ लोगे, तब अगले पीरियड के अंदर छुट्टी होने वाली होगी, तब नवीन जी आपके पास आएंगे और नवीन जी आपको आके कहेंगे कि लो पधारो, है ना, जीमन आपका इंतजार कर रहा है। तब सारे लोग जाओगे, एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाना खाने के लिए जाए नहीं। क्यों? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका नया बैच है और नए बैच के बच्चे इतनी शर्म करते हैं, इतनी ज्यादा शर्म करते हैं कि खाना खाने के लिए नहीं जाते। आके हम यूं बार बार बुलाते भी हैं कि लो चलो चलो यार खाना तो खा लो, इतने लोग जिम रहे हैं आप क्यों बैठे हुए? अरे अरे सर खा के आए। उल्टा वो मन ही मन कहना चाहता है मैं भूखा थोड़ी हूं, तेरे खाने के चक्कर में हूं, मैं यहां पढ़ाई करने के लिए हूं। पर ये एक भंडारे तक की बात है, क्योंकि अगली बार तो आप खुद थोड़े दिन बाद में कहोगे सर कई दिन हो गए सर, ये कोई तरीका थोड़ी है, है थोड़ा बहुत कुछ होना चाहिए, हैपनिंग हो ही नहीं रहा है जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ। अच्छा और ज्यादा पुराने बैच हो जाते हैं जिनमें दिलीप सर की इन क्लासें लगने लग जाती है, शुरू में हमारी इन क्लासें होती है, थोड़े मेच्योर बैच होते हैं तो बाद दिलीप सर क्लास लेने के लिए जाते हैं। सर जिन बैच में क्लास लेने के लिए उनमें तो बच्चे बाद वैसी बातें करते हैं, यू कभी सर गए सर ये कोई तरीका नहीं है, एक महीना हो गया इस बार। सर ने कहा कर देंगे कर देंगे, भंडारा करना है आपके यहां कर देंगे। और सर एक और सुन लो, वो गुलाब जामुन मत बनाया करो हर बार, रसमलाई बनवा लो इस बार। और पिछली बार है ना चने वाली सब्जी अच्छी नहीं थी, पनीर होना चाहिए इस बार सर। और रायता सर लास्ट में 8 बजे तो पानी था सर उसमें। कई बार आसपास में जो बच्चे रहते हैं उनकी वैसे शिकायत होती है, सर 1 बजे आए थे तब 1 बजे आके खाना खा लिया था, अब सर शाम को भूख नहीं लगती क्या वापस? तो 7 बजे वापस सर भूख लगती है ना सर, क्या तो मैं एक बार और खा के जाऊंगा सर, क्या हाँ खा जाना तू। कोई होता है कि सर अब 7 बजे नहीं लगती, 9 बजे लगती है सर भूख, तो अब शाम को मैं भाई जी को तोप करूंगा, 9 बजे आके जिम के जाऊंगा सर एक बार, तो तू भाई 9 बजे खा के चले जाना। तो आप पुराने हो जाओगे तब तो आप भी ढंग से जिम लोगे। आज पहला आप भंडारा आपके लिए, इसलिए आप यूं शर्म करोगे, पर शर्म अपने को नहीं करनी, जिसने की शर्म उसके फूटे, इसलिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और आप वहां जाके देखोगे कि वहां खूब सारे लोग होंगे, खूब सारे लोग यूं जिमाने वाले होंगे, खूब सारे लोग जिमने वाले होंगे, और वास्तव में इसका उद्देश्य खाना होता ही नहीं है, ये गेट टुगेदर है। हम 10,000 लोग यहां पर पढ़ते हैं, अच्छी खासी कॉलेज में नहीं होते, तो कब मिले आपस के अंदर, सब लोगों से कब बातचीत की जा सके? तो वो यहाँ लोग के भाई इस दिन ये होगा, अपने आधे पौने घंटे का हर बेच के अंदर ही खाना खाने के लिए जाएंगे, इतने लोग होंगे, मिलेंगे, टीचर खड़े रहेंगे वहां पे, जितने जयपुर के अंदर जितने भी अपने आरएस लगे हुए रहते हैं, जो अपने स्टूडेंट है वो सारे आए हुए रहते हैं। कि अपना ये होता है कि भाई हमारा जो भी एक्स स्टूडेंट है वो सारे आ जाओ, और हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट है वो तो आएंगे, तो सारे एक्स स्टूडेंट आए हुए रहते हैं। अब आप देख लो कि एक जयपुर में कोई एसडीएम लगा हुआ है तो वो खाना खाने तो नहीं आ रहा ना, क्या उसका उद्देश्य खाना खाना? खाना कहीं डंका खा के आ सकता है, ऐसा क्या जिमा रहे हैं अपने? नॉर्मल जैसा घरों में खाना होता है वैसा यहां पर खाना होगा, पर वो आ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि स्प्रिंग बोर्ड मेरा। मतलब आप उससे पूछ लो कि सर आप यहां कब पढ़ते थे, वो कहेगा 2008। कब पढ़ता था? 2008। तब आप कहीं सोचते हो मैं उस साल चौथी में था उस साल तो आरएस लग गया था। तो वहां ऐसे ऐसे खूब सारे लोग आपको मिलेंगे कि भाई 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले पढ़ के गए थे यहाँ से, पर उनको लगाव महसूस होता है यार नहीं अपनी कोचिंग है, अपनी कोचिंग का भंडारा है, अपनी कोचिंग का भंडारा तो अपने को चलना चाहिए। भाई बात समझ में? तो कोई शर्म नहीं करोगे? कल मैं आगे पूछूं कौन कौन नहीं गया था तो हाथ तो नहीं खड़ा करोगे? नहीं करोगे। मतलब पहले बैच को तो मैं जानता हूं, हर पहले बैच के अंदर वो स्टूडेंट जो खारी खारी नजरों से और देखता रहता है, पैसे दिए पढ़ने के, खाना खाने के थोड़े दिए, और अगले 2-3 भंडारे के बाद वही स्टूडेंट एकदम जमीन पे अलाथी पलाथी मार के रोटियों को गिनता नहीं है, चिणता है। तो 4 से तो क्या होगा, 15 तो आगे जाऊंगा पूड़िया में। और होना भी चाहिए यार, घर के अंदर किस बात की शर्म है? मुझे याद है एक बैच में दिलीप सर गए और बच्चों ने कहा कि सर ये है ना खाना तो खा लेते हैं, अच्छा होता है खाना, ठीक
वो दो सब्जियां बना दी थी, दो मिठाइयां हो गई थी सर, और रायता वायता हो गया था, ये तो सब ठीक है। तो खाना खाने के बाद तो मुझे तो पान मंगवाए थे 1 साल, तो बाहर आते टाइम पान वान कोई सुपारी उपारी होनी चाहिए सर। कोई एक आधा टापर बीच में कहता है कि सर श्याम वाला अरेंजमेंट यदि कर दो ना, गला तर रहे सर थोड़ा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक रखवा दो सर थोड़ी बहुत तो थोड़े दिनों में तो आपकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, पर आज ध्यान रखना थोड़ा। तो कौन सा युद्ध बताओ देखे, दत्तण युद्ध में कौन जीता? सुरथा। लिखो दरबारी विद्वान, एक बात और लिख।